नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैमो बीएससी क्रीम का रिव्यू और क्या क्या फायदे हैं इस क्रीम के, क्या क्या नुकसान है, तो यही सब चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। प्लीज वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारी स्किन भी सेलिब्रिटीज की तरह दिखे, है ना। कितना अच्छा होता है अगर हमारी स्किन भी बेदाग होती, हमारी स्किन पर कोई भी दाग धब्बा ना हो, हमारी स्किन ग्लोइंग दिखे, बेदाग दिखे, तो कितनी अच्छी लगती है ना। और आप सभी जानते हैं मार्केट में तरह तरह की क्रीम्स आ चुकी हैं, इतनी सारी क्रीम्स आ चुकी है कि हमें समझ में ही नहीं आता कि हम कौन सी क्रीम यूज करें और कौन सी ना करें। और ऐसे में इन क्रीम्स के जो प्राइस होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है क्रीम्स, ये भी हम सभी जानते हैं। ऐसे में अगर आप दोस्तों कोई अफोर्डेबल प्राइस पर मिलने वाली क्रीम ढूंढ रहे हैं तो यहां पर मैं आपको एक ऑप्शन देना चाहूंगी, मैमो बीएससी क्रीम। जी हाँ, ये आप देख सकते हो, ये काफी अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिल जाती है, बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन हो सकती है। अगर आपकी स्किन पर कोई भी दाग धब्बे हैं, जले के निशान है, तो ये उन सभी को रिमूव करने में हेल्प करती है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं इस क्रीम के बारे में। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये इस तरह की पैकेजिंग में आती है, ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आती है और ये व्हाइट और गोल्डन कलर की पैकेजिंग है, ये देखिए। तो ये सभी इंग्रेडिएंट इसमें यूज किए गए हैं, आप देख सकते हो। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, इसकी जो एमआरपी है आप देख सकते हो 155 रुपीज है, 155 रुपए है, लेकिन ये आपको 50 या 60 रुपीज में मिल जाएगी। और मुझे भी ये 50 रुपीज के प्राइस में मिल गई थी। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेती हूँ, ये आप देख सकते हो। तो इसके अंदर आपको एक पेपर भी दिया गया है जिसके ऊपर सभी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि आपको इसे कैसे यूज करना है। एक बार इस पेपर को जरूर अच्छे से रीड कर लीजिएगा अगर आप इस क्रीम को फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं। तो ये देखिए, तो ये ट्यूब आती है इस तरह से, ये ट्यूब पैकेजिंग में है और ये इस तरह से पैकेजिंग में आती है, आप देख सकते हो। तो मैं इसे ओपन कर लेती हूँ, ये देखिए इस तरह से ये सील्ड पैकेजिंग में आती है, ये देखिए। और इसका जो कलर है ये कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा इसे अपने हाथ पर भी आपको अप्लाई कर दिखा देती हूँ। टेक्सचर बहुत ही स्मूथ है इसका और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको इसके साथ, ये देखिए। बहुत जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है। टेक्सचर आपने देखा है फ्रेंड्स इसका, बहुत ही स्मूथ है, बहुत इजीली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है, ऑयली बिल्कुल नहीं बनाती है आपकी त्वचा को। इसे ऑयली स्किन वाले भी और ड्राई स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इसे सभी स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं। और एक और चीज बताना चाहती हूँ दोस्तों कि ये जितने भी आपके फेस पर दाग धब्बे, टैनिंग, पिगमेंटेशन, ब्लैमिशेज की प्रॉब्लम होती है ना, उसे ये बहुत अच्छे से रिमूव करने में हेल्प करेगी। और हाँ फ्रेंड्स, इस क्रीम का एक और फायदा ये भी है कि जब तक आप इस क्रीम को यूज करते हैं ना, तो आपकी स्किन पर कोई भी ब्लैकहेड और व्हाइटहेड्स की प्रॉब्लम नहीं होती है आपके नोज एरिया पर या चिन एरिया पर। तो ये भी चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है इस क्रीम के बारे में कि जब तक आप इस क्रीम को यूज करते रहेंगे ना, तब तक आपके फेस पर ब्लैकहेड और व्हाइटहेड्स की प्रॉब्लम ये नहीं होने देती है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि हमें इसे इस्तेमाल कैसे करना है। इसके अंदर जो ये पेपर दिया गया है इसके ऊपर सभी चीजें मेंशन की गई हैं कि आपने इसे कैसे इस्तेमाल करना है, और साथ ही साथ इसके और प्रोडक्ट्स की भी जानकारी इसमें दी गई है। इसमें जो भी और इनके प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपको इसकी जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी सभी चीजों की। ये देखिए इनके शैम्पू और ऑयल वगैरह भी हैं, तो वो भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। इस पेपर के ऊपर सब कुछ मेंशन किया हुआ है। तो अगर इसे इस्तेमाल करने की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैमो बीएससी फेस वॉश भी आपको मिल जाता है, जो इसके साथ तो नहीं आपको मिलेगा, अलग से आपको परचेज करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप इस सिर्फ क्रीम को लगाना चाहते हैं तो इस क्रीम को भी लगा सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, इन्होंने बोला है, इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है कि आप पहले मैमो बीएससी फेस वॉश से अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके बाद आप इस क्रीम को लगा लीजिए। इसमें दोनों ही बातें लिखी हुई हैं कि आपने इस क्रीम को नाइट में भी लगा सकते हो और मॉर्निंग में भी। और साथ ही साथ इसमें यह भी लिखा हुआ है कि आपने इस क्रीम को धूप में लगाकर नहीं जाना है, अगर आप घर पर ही रहती हैं तो आप दिन के वक्त इसे लगा सकते हो, लेकिन आपने इस क्रीम को लगाकर धूप में बाहर नहीं निकलना है, इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये बर्न पैचेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पैचेस, डार्क स्पॉट, डार्क सर्कल्स और चोट के निशान तथा हर दाग धब्बे को दूर करने में सहायक है। तो ये क्रीम काफी अच्छी है, जो इस पर चीजें मेंशन की हुई है वो सच है कि आपके डार्क स्पॉट को और अगर आपके प्रेगनेंसी के दौरान जो फेस पर दाग धब्बे हो जाते हैं उसको भी ये रिमूव करने में हेल्प करती है। तो अगर आप इसे यूज करना चाहते हो तो डेफिनेटली परचेज कर सकते हो।
अब बात कर लेते हैं कि क्या हमें इस क्रीम को लॉन्ग टाइम तक यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक सलाह दूंगी दोस्तों कि हमें इस क्रीम को लॉन्ग टाइम तक यूज नहीं करना चाहिए। वैसे तो इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसे यूज कर सकते हो लॉन्ग टाइम तक भी। लेकिन क्या होता है कि जब आप इस क्रीम को छोड़ देते हैं ना, तो जो आपकी त्वचा का रंग पहले होता है, इसे लगाने से पहले होता है, तो वही रंग हमारा दोबारा से वापस आ जाता है। लॉन्ग टाइम तक ये आपकी स्किन पर असर नहीं करेगी, क्योंकि जब तक आप इसे लगाते रहेंगे तब तक ये आपको फायदा देती है। उसके बाद जब आप इसे छोड़ देंगे तो इसका कोई भी आपको फायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर आपके घर में कोई भी वेडिंग फंक्शन है, कोई पार्टी है, लाइक अगर एक दो महीने बाद शादी होने वाली है किसी की, तो आप इसको डेफिनेटली एक दो महीने पहले लगाना इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके फेस पर बहुत ज्यादा दाग धब्बे हैं, आपकी स्किन में चमक नहीं है, बेदाग नहीं है त्वचा आपकी, आप ये सब कुछ चीजें चाहती हैं, तो आप एक दो महीने पहले इस क्रीम को यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। तो कोई भी इस क्रीम का नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि क्या हम इस क्रीम को बच्चों को लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको सलाह दूंगी कि बच्चों को ये क्रीम बिल्कुल ना लगाएं। हाँ, अगर आपके बच्चे अगर 10 साल से ऊपर हैं तो आप इस क्रीम को डेफिनेटली लगा सकते हो, और लॉन्ग टाइम तक बच्चों को ना लगाएं। लेकिन अगर आपके बच्चे को कोई भी स्किन पर दाग या धब्बा है, तो आप इसे डेफिनेटली लगा सकते हो, कोई नुकसान नहीं करेगी ये। और 10 साल से कम बच्चों को लगाने की सलाह मैं आपको नहीं दूंगी। अगर आपकी फेस पर आपको लगता है चमक नहीं है, और आपकी स्किन पर दाग धब्बे बहुत ज्यादा है, एक्ने के दाग बहुत ज्यादा है, डार्क स्पॉट है, पिंपल्स है, तो आप इस क्रीम को डेफिनेटली लगा सकती हैं। और एक चीज और बता दूं मैं आपको दोस्तों, कि ये क्रीम आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स को दूर नहीं करेगी। हाँ, डार्क सर्कल्स को ये रिमूव करती है, लेकिन आपकी रिंकल्स और फाइन लाइंस को ये रिमूव नहीं करेगी। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। इस क्रीम को लगाने से पहले गाइस, जो इसमें पेपर दिया गया है उसे अच्छे से रीड जरूर करें, उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इस क्रीम को लगाने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर कर देखिएगा। अगर आपको ये क्रीम सूट करती है तभी आप इसे लगाइएगा, नहीं सूट करती है तो ना लगाइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप दिन के टाइम में इस क्रीम को नहीं लगाना चाहती हैं, या अगर आप कहीं बाहर जाती हैं, बिजी रहती हैं, तो आप इस क्रीम को नाइट में भी लगा सकती हैं, तब भी ये उतनी इफेक्टिव है, और आपको नाइट में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप स्किन को बहुत अच्छे से रिपेयर करती है, नाइट में आप इसे लगाकर सो सकते हो, और नेक्स्ट डे आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए। और दोस्तों, इसमें आपको मिल जाता है पैक 15 ग्राम का और 30 ग्राम का पैक मिल जाता है, जो आप अपने अकॉर्डिंगली भी चूज कर सकते हो। और ये जो इसका छोटा पैक है, मेरे हाथ में है 15 ग्राम वाला पैक है, तो ये पैक भी आपका एक महीना आराम से चल जाएगा, तो आप ये पैक भी यूज कर सकते हो। और अगर आपको 30 ग्राम वाला पैक यूज करना है तो वो भी आप परचेज कर सकते हो, और ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर इजिली मिल जाएगी, तो आप एक बार देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का मैं ओपीएससी क्रीम के बारे में रिव्यू। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ और भी अमेजिंग सी वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।